ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइनली पीएमसी सिलेबस बता रहा था, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल सिलेबस जिसको हम कहते हैं, ये एनएमडी कैट के लिए इस सिलेबस को लॉन्च किया गया है। चूँकि ई कैट का सिलेबस जो है वो टोटल आपका जो है सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फॉलो करता है। ठीक है, ई कैट का सिलेबस एनईडी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, केयू के लिए कर रहे हैं, दाऊद के लिए कर रहे हैं, फेडरल के लिए कर रहे हैं, तो वो सब आपका कराची बोर्ड से, सिंध बोर्ड से ही आ जाता है। लेकिन जो आप अब अगर आप एनएमडी कैट की प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उनके लिए क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सेम एक ही टेस्ट हो रहा होता है। जब पूरे पाकिस्तान में एक सेम एक टेस्ट हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि चारों बोर्ड्स के, मतलब कि आपके केपीके बोर्ड, पंजाब बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, सिंध बोर्ड, इन तमाम बोर्ड के अंदर जो कॉमन टॉपिक्स थे ना, उन कॉमन टॉपिक्स को उठाकर एक सिलेबस बनाया गया था लास्ट ईयर, जिसको पीएमसी सिलेबस का नाम दिया जाता था, ताकि अगर कोई पंजाब वाले भी शिकायत ना करें, अगर टेस्ट आ जाए कराची वाले शिकायत ना करें, या मतलब कि कोयटा वाले शिकायत ना करें, पिशावर वाले जब टेस्ट दें अपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो ये ना बोलें कि हमारे कोर्स से आउट चीज़ आ गई है। तो तमाम पीएम पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के सारे टीचर्स ने बैठकर एक सिलेबस डिज़ाइन किया था जो कॉमन उस पर बेस करता था, कॉमन टॉपिक्स पर बेस करता था। लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर जब एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें फिर 17 क्वेश्चंस कहा जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा आ गए या फिर आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। चूँकि सिर्फ टॉपिक के हेडिंग से ये चीज़ पता नहीं लगती है कि वो टॉपिक आपने कम्प्लीटली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक पंजाब टेक्स में भी है, वो केपीके टेक्स में भी है, बलूचिस्तान टेक्स में भी है, फेडरल में भी है, सिंध टेक्स में भी है, आगा खान में भी है, कैम्ब्रिज में भी है, सब में आइसोमेरिज्म, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत लाजमी टॉपिक होता है। लेकिन हम जो सिंध टेक्स में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल के अंदर फिर उसके टाइप्स पढ़ रहे होते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, मेटामेरिज्म पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी आइसोमेरिज्म की एक सब अलग ब्रांच होती है, जिसको हम स्टीरियो कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है, लेकिन सिर्फ जो है ना वो स्पेस में अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है एलिमेंट्स की। 3D डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो अब उसकी जो है ना वो हमारे सिंटेक्स के अंदर उसका टॉपिक नहीं है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो के अंदर फिर फर्दर टाइप्स आती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस पढ़ते हैं, ऑप्टिकल में ग्लूकोज डी, ग्लूकोज एल, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो हमारे टॉपिक में है नहीं, हाँ आइसोमेरिज्म ज़रूर है। तो उन्होंने ये देखा पीएमसी वालों ने, चूँकि आइसोमेरिज्म हर एक जगह पढ़ाया जा रहा है, तो आइसोमेरिज्म से हम कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर आकर इस आइसोमेरिज्म का सवाल दे दिया कि बताएं कायरल कार्बन क्या होता है, तो हमें तो नहीं पढ़ते कायरल कार्बन के बारे में। तो ये इश्यूज़ हैं थोड़े से जो रह गए, लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक सिलेबस लॉन्च किया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो है वो तैयारी करनी थी। एनईडी के अंदर 100 मार्क्स का जो टेस्ट होता है, तो 25 केमिस्ट्री के आते हैं, 25 फिजिक्स के आते हैं, 25 मैथमेटिक्स और 25 इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैंने बताया था जो एमडी कैट होता है, एमडी कैट के अंदर बायोलॉजी और फिजिक्स का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बड़ा वेटेज होता है। 80 मार्क्स की बायोलॉजी होती है, 60 मार्क्स की जो है वो आपकी फिर केमिस्ट्री होती है, 40 मार्क्स की फिर फिजिक्स होती है, 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। ठीक है, तो इस तरह 200 नंबर का टेस्ट बनता है। तो 60 मार्क्स का एक बड़ा वेटेज होता है यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री का। जबकि एनईडी में बच्चे टेस्ट देगा तो 25 सवाल करेगा वो केमिस्ट्री के, यही अगर बच्चा डाउ मेडिकल के लिए टेस्ट देगा तो 60 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, और डबल से भी ज़्यादा है। अच्छा, उसके लिए भी टॉपिक, अच्छा उन्होंने पूरा कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि किस टॉपिक से कितना आएगा। जैसे कि मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो ये देखें, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये तो हमारे पास भी था, 3 सवाल इससे आ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 सवाल दे रहे हैं। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड हमारे पास एक ही चैप्टर में था, चैप्टर फर्स्ट ईयर में। अच्छा, इन्होंने अलग अलग कर दिया, गैसेस को अलग, लिक्विड को अलग, सॉलिड को अलग। तो इसके इस तरह से जो है दो 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 सवाल, 6 सवाल टोटल आ गए इससे। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो चैप्टर 6 हुआ करता था, तो ये इसके 4 जो है वो एमसीक्यूज आ रहे हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसको केमिकल काइनेटिक्स कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के वाला चैप्टर है, 4 सवाल इससे आ रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स इससे आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद बड़े मॉलिक्यूल, इससे मुराद है पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो मेरे लगभग देखा जाए ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने होते हैं, और हमने पढ़ा भी होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि सर ये तो हमने इंटर में पढ़ा ही नहीं है, या हमारे इंटर में है ही नहीं, ये सारे चैप्टर्स हैं। बट मसला ये है कि ये चैप्टर्स में टॉपिक्स, इसके जो सब टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे कराची बोर्ड के अंदर कहने के नहीं होते हैं, लेकिन बाकी पंजाब टेक्स, फेडरल और डिफरेंट और कोर्सेज के अंदर होते हैं। तो एप्टीट्यूड के सेशन के अंदर उन टॉपिक्स को स्पेशली करेक्ट करना ज़रूरी होता है, तभी वो एप्टीट्यूड और हम एकेडमिक में एक फ़र्क कर पाते हैं।
वरना एक संडे की क्लास तो रेगुलर क्लासेस में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा अगर आप वही काम कर लेंगे तो। रेगुलर क्लास में भी तो टीचर एमसीक्यू उसकी प्रिपरेशन करा ही रहे होते हैं, तो वो तो एक तरह से देखा जाता है वो भी अपडेट उसकी प्रिपरेशन है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सेलेक्टेड होती हैं, सिर्फ वही जितने आपके सेकेंड ईयर के लिए चाहिए। और यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड के हवाले से भी एक्स्ट्रा आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये असल में सिलेबस मैंने दिखाया, पीएमसी सिलेबस जिसको मैं कह रहा था, इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है तो स्क्रीनशॉट वीडियो से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था। तो वो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ना, तो अब देखते हैं आज भी हम शायद बेसिक्स पे ही आज हम टॉपिक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करनी होगी तो कर लेंगे, वैसे इरादा तो मेरा नहीं है कि इसको मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि जब तक एक खास एक पैटर्न पे तमाम स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम जो है वो उस टॉपिक को स्टार्ट, मतलब हमारा चैप्टर स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस, आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज मैं आता हूँ आपको बताता हूँ सब्सटेंस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब मैटर या मादा, कोई शय, कोई चीज़, हर वो चीज़ जो वजन रखे या झगड़े वो सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वन इज़ द प्योर सब्सटेंस, द सेकंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया जाता है, खालिस और ना खालिस, खालिस और मिलावट शुदा। प्योर सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मतलब एटम्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम्स से सिर्फ बने होते हैं, ये प्योर होते हैं, ये खालिस होते हैं, इनको और ज़्यादा फर्दर प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। प्योरीफिकेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाए। अगर कोई चीज़ दो तीन या चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई है तो आप दो तीन चार चीज़ों को अलग अलग कर दे तो फिर वो प्योर सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो जो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम्स, उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर थिंग, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। आप जहाँ से हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो 118 तक आप पहुँच जाएंगे एटॉमिक नंबर पे, और वहाँ जाकर हर स्टॉप लगेगा। तो 118 एलिमेंट्स है जिसमें से 92 एलिमेंट्स आपके नेचुरल है, यूरेनियम तक, और यूरेनियम से आगे 93 से 118 तक आपके पास आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जिनको हम कहते हैं वो है। तो वो तो जब मैं पीरियोडिक टेबल पे आऊँगा आज तो वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अभी इस फिलहाल सब्सटेंस समझिए। तो प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स, अनासिर जिसको उर्दू में हम कहते हैं। अब एलिमेंट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ईदर दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ये तो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं या मेटालॉइड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना 118 एलिमेंट है, तो वैसे ज़्यादातर मोस्टली जो है वो मेटल्स हैं, मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास जो है वो मेटल्स हैं। और मेटल्स की नॉर्मली ये होती है कि उसमें इसके सफिक्स जो होता है वो यम होता है, नॉर्मली यम आ रहा होता है लास्ट में, जैसे कि आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है, फ्रेंशियम, जितने भी मेटल्स होते हैं साथ में यम आ रहा होता है। और किसी के इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के नेम के आखिर में यम नहीं आ रहा होता तो उसके लैटिन नेम के आखिर में यम आ रहा होता है, जैसे Fe आयरन है, आप बोलोगे सर इसमें तो यम नहीं आ रहा, तो उसमें फेरम में तो आ रहा है, कॉपर में तो यम नहीं आ रहा बट क्यूप्रम में तो आ रहा है ना भाई। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें आपके पास लैटिन में जिंक है, अब ZN होता है वैसे जिंक, ZN इज कॉल्ड जिंक। अब जिंक में तो आप बोलोगे सर जिंक तो इसका इंग्लिश नाम ही, इसका लैटिन नाम भी है, तो इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है जिंकम। तो ये जिंकम इसका लैटिन नेम है, इंग्लिश में जिंक कहा जाता है तो जिंकम में यम आता है। तो वॉर्डमली ना, चूंकि हमें लगता है कि लैटिन नेम बिल्कुल अलग हो गया, जैसे सोडियम का नेट्रियम हो गया, पोटेशियम का केलियम हो गया, तो इसका जिंकम का जिंक की तरह ही होता है, ठीक है, बस यूएम लगा देते हैं। तो मेटल्स के लास्ट में यूएम यम आ रहा होता है, ये इनके सफिक्स है, लाहका कह लो लास्ट में जो लग रहा होता है। नॉन मेटल्स जो है वो उनमें कोई खास रूल नहीं है, कभी कभार जैन आ रहा होता है आखिर में इनके, कभी कभार इनके आखिर में जो है वो इन आ रहा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या फिर कभी कभार जैन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का करंट कंडक्ट नहीं करते, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स की तादाद कितनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, एनीबडी नो? वैसे मतलब ब्लॉक तो हमें पता है, पी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, बट द टोटल नंबर इज 17। तो देर आर 17 नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, 17 नॉन मेटल है, ठीक है सर। अच्छा, जब मेटालॉइड्स की बात की जाए तो मेटालॉइड्स क्या होते हैं, दे आर सेमी मेटल, सिर्फ 8 मेटालॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको हम सेमी मेटल कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, तो ये हमारे पास, या बोरॉन है, या मेटालॉइड्स हैं जो मेटल नॉन मेटल के बीच के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं।
तो ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीनों दे आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। याद रखना, कंपाउंड्स को कभी मेटल नहीं कह सकते हैं, नॉन मेटल ना मेटलॉइड कह सकते हैं। कंपाउंड्स कभी भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड नहीं हो सकते। वाटर को आप नहीं कह सकते कि ये नॉन मेटल है, नहीं। अब बोलोगे सर ये करंट कंडक्ट नहीं करता तो ये नॉन मेटल हुआ, नहीं, वो बैड कंडक्टर हो गया इस वजह से, बट वो नॉन मेटल नहीं हुआ। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सिर्फ और सिर्फ आपके पास एलिमेंट्स कहलाने के लायक है, एलिमेंट्स कहला सकते हैं ये, ठीक है। कंपाउंड्स या मिक्सचर्स को नहीं कह सकते हम ये चीज़, ये बातें। अब आ जाए इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या है कि जब कंबाइंड चीज़ें होंगी, अब चीज़ें या तो केमिकली कंबाइंड हो सकती हैं या तो फिजिकली कंबाइंड हो सकती हैं। अगर दो चीज़ें केमिकली कंबाइंड हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइंड है तो सूरत में उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड, और अगर फिजिकली कंबाइंड हो तो दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। तो हेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी दो चीज़ों का मिलाकर बना है कंपाउंड, मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर ही बना है। फ़र्क क्या है, ये केमिकली कंबाइंड है, फिजिकली कंबाइंड है। अब केमिकली और फिजिकली कंबाइंड में फ़र्क क्या है कि ये जो जुड़े हुए हैं ना कंपाउंड में, जो एलिमेंट्स साथ में जुड़ते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है, आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, इन तरह से। जबकि ये जो फिजिकल में ना वीक फोर्सेस के थ्रू, वीक बॉन्डिंग के थ्रू जो है ना सब्सटेंसेस साथ में जुड़े होते हैं, मतलब इनको आराम से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ये बेनिफिट डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर जैसे वाटर है, पानी, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो अब वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना आसान नहीं है, मुश्किल काम है। ये जब हम कंपाउंड्स को जब सेपरेट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई लिसिस वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, केमिकल मेथड, लिसिस वाला मेथड जिसको हम कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो तो सेपरेट हो जाएगा, पायरोलिसिस कर दो तब जाकर सेपरेट हो जाएगा। तो लिसिस वाले मेथड से क्या करते हैं, कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को इजीली आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, और उसके सेपरेट करने के लिए आपके पास शन वाले मेथड से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। शन वाला मेथड क्या कहलाता है आपका, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैकेनिकल सेपरेशन, डिस्टिलेशन, शन वाले मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी में आपने सोयाबीन तेल मिला दिया, पानी और तेल मिक्स कर दिया, वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे तो ये मिक्सचर बना, कंपाउंड नहीं बना। अगर उसको सेपरेट आउट करना है पानी और तेल को, तो फिर आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कौन से मेथड से? पानी में आपने सोयाबीन तेल मिक्स कर दिया, किस मेथड से आप इसको अलग कर सकते दोनों, पानी और तेल को? हाँ, एवापोरेशन से कर सकते हैं, या डिस्टिलेशन भी हम इसको कह सकते हैं, उससे कर सकते हैं। तो वाटर पहले एवापोरेट हो जाएगा और आप उसको कंडेंस करके अलग लिक्विड में हासिल कर लोगे। इस तरह से अगर आपने एक मिक्सर ऐसा बनाया कि आपने बुरादे को या आयरन पीसेस को, आयरन के पीसेस को छोटे छोटे आपने मिट्टी में या रेत में मिक्स कर दिया, अब आप उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन से आप उसको कर सकते हैं अलग। पानी में आपने जो है वो नमक मिला दिया, अब इसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, मिक्सर है ये, एवापोरेशन से कर लेंगे। पानी में आपने बजरी मिला दिया, अब उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, फिल्ट्रेशन से कर लेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब कि ये सारे मिक्सचर्स होते हैं जो शन वाले मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स का भी इस तरह सेपरेट नहीं होता है कि आपने फिल्टर पानी है, आपने उसको एवापोरेट किया तो वो पूरा H2O हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं, दोनों इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड्स में फिर हम आए तो उसके में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। दो ही कंपाउंड्स आयनिक हैं और कोवेलेंट हैं। आयनिक कंपाउंड्स बट दैट इज़ अ वेरी जनरल थिंग, मतलब ये तो सिंपल बात मैं बता रहा हूँ। तो आयनिक कंपाउंड है और उसके अलावा जो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट में क्या फ़र्क होता है, आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के मिलाप से बन रहा होता है, ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा वी यूज टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के मिलाप से ये बनता है। तो ये हमारे पास आयनिक और कोवेलेंट में फ़र्क होता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उस पर नहीं जा रहा, जब केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बात हो जाएगी। कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो जैसे HCl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, ये सारे हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। फिर कोवेलेंट के अंदर भी फर्दर डिवीजन हो सकती है ना, हम उसको पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट में ब्रेक कर सकते हैं, शेयर्ड पेयर के अकॉर्डिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम उसको जो है वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो एक फर्दर आगे और इसकी क्लासिफिकेशन चल सकती है, ठीक है। मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर दो तरह के सिर्फ होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमो मतलब सेम, जीनस मतलब स्टेट। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें यह सेम फेस होता है, दो चीज़ें साथ में मिलकर एक ही फेस में आ जाए, एक ही स्टेट में आ जाए। जैसे वाटर इज अ लिक्विड
एंड सॉल्ट इज अ सॉलिड, लेकिन जब इन दोनों का आप मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में ही होता है पूरा का पूरा। मतलब नमक को पानी में घोल दें तो पूरा ओवरऑल वो लिक्विड हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है उसकी। इसलिए वाटर जो है ना वो एक, या सलाइन वाटर या कह लो आप ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, वो एक हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, बिकॉज होमोजीनस होता है वो, सैचुरेटेड होता है वो। इसी का रिवर्स होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है भाई, हाइड्रोजीनस, हाइड्रोजीनस होता है जिसमें दोनों मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट है ना वो आपको अलग अलग दिख रहे होते हैं। जैसे कि बजरी मिला दो पानी में तो बजरी और पानी आपको अलग अलग दिख सकता है अगर आप गिलास के अंदर इसको मिक्स करेंगे तो, दैट इज़ अ हाइड्रोजीनस मिक्सचर। हाइड्रोजीनस मिक्सचर के मतलब ये, इसको हम सस्पेंशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एमल्जन किसे कहते हैं, एमल्जन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। एमल्जन किस टाइप का मिक्सचर है, वाटर और ऑयल मिला दें, दो लिक्विड्स को मिला दें जो आपस में हल ना हो सके, तो दैट इज कॉल्ड एन एमल्जन। वॉट इज अ कोलॉइड, कोलॉइड किसे कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड, कोलॉइड किसे कहा जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो दे आर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक चीज होती है केमिस्ट्री में, उसको कोलाइड कहते हैं। देखो सस्पेंशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है और वो सेटल डाउन भी नहीं होता है, वो हर तरफ होते हैं ऊपर से नीचे तक। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि दिखते हैं आम आंखों से, दिखते भी हैं और वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के या सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं या वो इतने बड़े होते हैं कि दिख तो रहे होते हैं आराम से आपको, लेकिन वो इतने छोटे भी होते हैं ना कि वो सेटल डाउन नहीं होता है। तो कभी कभार आपने टेस्ट ट्यूब वगैरह में ऐसा सॉल्यूशन आपने बनाया होगा कि उसमें ऊपर से नीचे तक जो है ना प्रेसिपिटेट आपको दिख रहे होंगे, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे होंगे, कोलॉइडल का सॉल्यूशन बन जाते हैं, ऊपर से नीचे तक आपको दिख रहा था धब्बा 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 सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वो बैठ रहा नहीं होता एक घंटे बाद भी नीचे, उसको कोलॉइड कहते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इसमें पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। तो कुछ प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन जैसी एक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं हो रहा सॉल्यूशन की तरफ, और कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन जैसी है, मतलब वो आपको दूर से दिख सक रहा है नेकेड आई से। तो ये फेडरल टैक्स में होता है, फेडरल और पंजाब टैक्स में पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच की चीज होती है, कराची बोर्ड में इसकी डिस्कशन नहीं होती बिल्कुल, ठीक है। मैं समझ में आ गई ये स्लाइड, क्या बताया मैंने, फिर से अगेन रिपीट कर दूं। सब्सटेंस दो कैटेगरी में है भाई, प्योर इम्प्योर। प्योर में एलिमेंटिक्स और टारा है, मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड। इम्प्योर में दो है, केमिकली कंबाइंड तो कंपाउंड है, फिजिकली कंबाइंड तो मिक्सचर है। कंपाउंड के अंदर या तो आयनिक होगा या कोवेलेंट कंपाउंड होगा, मिक्सचर के अंदर या तो सॉल्यूशन होगा या तो सस्पेंशन होगा होमोजेनस हेट्रोजेनस बेसिस पर, उसके बीच में कुछ है तो कोलाइडल होगा या कोलाइड होगा, ठीक है, क्लियर। तो बहुत बेसिक बात है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये तो 9 के बच्चों को हम बता रहे होते हैं इस तरह की चीज़ों को, बहुत बेसिक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों को यही ना पता हो, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है समझना। तो नेक्स्ट इसके बाद एक बात मैं करता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। कि जब हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जगह पर, तो एलिमेंट्स के चारों तरफ हम कुछ नंबर्स लिख रहे होते हैं, नंबर्स को समझ लें कि वो नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो एक्स लिखते हैं हम, दिस इज एक्चुअली द सिंबल, ये सिंबल है एलिमेंट का, अल्फाबेटिकल सिंबल। किसने बताया था सिंबल के बारे में, सबसे पहले किसने अल्फाबेटिकल सिंबल से इस्तेमाल किए थे प्रयोग टेबल में, नाम पता है किसी को, साइंटिस्ट का, 9 क्लास में पढ़ा होगा, नोबडी नोस, जे जे बर्जीलियस, ठीक है, अभी याद आ गया होगा यहाँ से तो पढ़ा था। तो जे बर्जीलियस या जे जे बर्जीलियस जो थे उन्होंने इस सिंबल को डिस्कवर किया था। बर्जीलियस से पहले किसका सिंबल इस्तेमाल होता था, बर्जीलियस से पहले जॉन डाल्टन के सिंबल इस्तेमाल होते थे, और जॉन डाल्टन वो अल्फाबेटिकल सिंबल यूज़ नहीं करते थे, वो अलग अलग तरह के, इस तरह से जैसे कार्बन बनाने ना तो ये सर्किल बना के उसको ब्लैक कर देते थे, इस तरह से एक इस तरह से सिंबल बनाते थे, एक इस तरह सिंबल बनाते थे, एक इस तरह सिंबल बनाते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स वो यूज़ करके अलग गोल्ड सिल्वर अलग अलग एलिमेंट्स को बताते थे। तो ये पुराने वक्तों की बात थी कि जब हम जो है ना जैसे फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, हम सिंबल बना रहे होते हैं ना बॉटनी में, एंजियोस्पर्म कितना है, जेनियो क्या चीज़ें कितनी है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इसी तरह के सिंबल्स जो है ना, मेल फीमेल का सिंबल वैसे वहाँ यूज़ होता है इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह के सिंबल्स जो है वो जॉन डाल्टन इस्तेमाल करते थे अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर। लेकिन ये तो क्या मुश्किल था ना, अभी अगर सोचो ये होता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे ये कार्बन है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, तो इससे आसान काम किया जे बर्जीलियस ने कि उसने अल्फाबेटिकल सिंबल दे दिया आपको कि सोडियम का एन हो गया, पोटेशियम का के हो गया, आसानी हो गई।
लेकिन जे बर्जिलियस ने सारे एलिमेंट्स के सिंबल नहीं बताए होंगे, चूंकि उस वक्त सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं थे। जितने डिस्कवर हो गए थे आयरन कॉपर वगैरह उनके सिंबल उसने बता दिए। तो ये एक्स होता है सिंबल, एक्स नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, एक्स ई तो है, ज़ीनॉन एक्स नहीं है कोई भी, ये जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब इसके चार जगहों पर नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, कुछ ना कुछ आपको मिला लिखा हुआ मिलेगा। वैसे नॉर्मली छोटे क्लासों में बस ऐसे होता है एक्स मतलब इस तरह से, फिर ये ऐसे, नाइन्थ क्लास में आपने ऐसे पढ़ा होगा बस, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास एस। लेकिन आप रियल जो उसकी होती है ना, करेक्ट जो उसकी तरीका होता है वो इस तरह से लिखने का होता है। यहाँ होता है एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है, ये होता है हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास ए। यहाँ ऊपर यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी लिखी जाती है, प्लस टू प्लस फोर, ठीक है, और यहाँ हमेशा लिखा जाता है नंबर ऑफ एटम्स, जैसे Cl2O2N2। तो इसलिए चारों जगह फिक्स कर दी है केमिस्ट्री ने कि आप यहाँ पर यही लिखेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये लिखेंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे कराची बोर्ड में होता है नॉर्मली 9-10 में सीखते हैं कि मास नंबर यहाँ लिख रहे होते, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ वैलेंसी लिखी जाती है। मास नंबर को अगर कभी आप देखो ना डिफरेंट बुक्स के अंदर, तो नीचे और ऊपर इस लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ, तो यही तरीका है इसको लिखने का, जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है ना वो यही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर देखें, इसमें कोई अगर हम एलिमेंट देख लें तो जैसे F है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आप देख सकते हैं, दिस 9 इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर, दिस इज -1 इज द वैलेंसी, और 2 यहाँ पर जो आया हुआ है उसके नंबर ऑफ एटम्स है, क्लियर। अच्छा ये 9 इसका एटॉमिक नंबर क्या बताता है, वॉट इट टेल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकता है ये, इस वक्त ये नहीं बता रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे चार्ज लगाया हुआ है -1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ा हुआ इंक्रीज है, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हमेशा ही बताता है, ऑलवेज, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उस तरह में बताता है जब ये न्यूट्रल एटम, अगर ये न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, आयोनाइज्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जनरेट हुआ है, कैटाइन है, एनाइन है, तो फिर उस सूरत में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा। निकाल जरूर सकते हैं वैलेंसी को देखते हुए, लेकिन बताएगा नहीं ये, ठीक है। दिस 19 इज कॉल्ड मास नंबर, या इसको हम एटॉमिक नंबर भी इस वक्त कह सकते हैं। वैसे इस वक्त की क्या है ये, एटॉमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है कि एटॉमिक मास है, दो चीज़ें हैं देखो, या तो ये आप कह सकते हो कि इट इज़ एटॉमिक मास, या तो आप ये कह सकते हो कि इट इज़ मास नंबर। इस वक्त क्या है ये, कौन बता सकता है, कैसे होल नंबर में, मास नंबर की हमेशा होल नंबर वैल्यू होती है, अगर होल नंबर में आ गया तो उसका मतलब कि ये मास नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक मास होल नंबर में नहीं होता, फ्रैक्शन में होता है। डिफरेंस क्या है मास नंबर और एटॉमिक मास में, कि मास नंबर जैसे आपको बताते हैं P+N इन द न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियॉन्स की तादाद बताता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताते हैं मास नंबर, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद। एटॉमिक मास क्या बताता है, कौन बताएगा, व्हाट इज एटॉमिक मास देन, यस कार्बन 12 के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी एलिमेंट के मास का, वो कहलाता है एटॉमिक मास। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया है एटॉमिक मास के लिए, 1961 शायद ये ईयर था कि जब इसको एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड ना, और 1961 कह रहा हूँ, ये 1810 में ऐसा हुआ था कि इसको स्टैंडर्ड बनाया गया था एटॉमिक मास को। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अच्छा मास नंबर बाद की डिस्कवरी है, एटॉमिक मास पहले की डिस्कवरी है, एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में होते हैं, आगे जाकर बाद में और डिस्कस करेंगे इसको, अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जस्ट मैं, सिंपल सिंपल बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या बताएं। अच्छा ये एटॉमिक नंबर है, तो वो तो आई थिंक ये हमने देख लिया है, मास नंबर है तो वो भी मैंने आपको बता दी होल नंबर में होगा, ठीक है, ये सिंपल है। एटॉमिक मास को हम जो है वो एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, ये बताया था मैंने, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तीनों की चीज़ें। मास नंबर तो ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिंपल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे को पता है। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तीनों चीज़ें सेम है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है। फिजिक्स के अंदर अलग है, बहुत बड़ा फर्क है, केमिस्ट्री के अंदर कोई फर्क नहीं है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक ही बात है। जहाँ जहाँ आप मास लिख रहे हैं केमिस्ट्री के बुक में, वहाँ वहाँ आप वेट आराम से लिख सकते हैं,
कोई मसला नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लो, ग्राम इक्विवेलेंट मास के लो बातें किए, मॉलिकुलर मास के लो मॉलिकुलर वेट के लो बातें किए, एटॉमिक मास के लो एटॉमिक वेट के लो बातें किए, किसी भी फॉर्मूले में वेट और मास को आप बराबर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो आप केमिस्ट्री में जो वेट निकाल रहे होते हैं ना, फिजिक्स उसको मास ही बोल रहा होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से कहते हैं कि तुम गलत लिख रहे हो, वेट हो ही नहीं सकता, केमिस्ट्री के अपने फंडे, तो वो कहते नहीं सही है, तो वो हमेशा हमेशा किताबों में वेट और मास दोनों लिखा होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन ना वो डील करती है डिफरेंट चीज़ों से, क्योंकि केमिस्ट्री वैसे फोर्स पे बात करती नहीं है ना कोई, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात ही कुछ नहीं करती ग्रेविटी पे, तो उसको मसला ही नहीं है, वेट बोलो मास बोलो, लेकिन फिजिक्स तो बहुत डील कर रही होती है इस फोर्सेस पे, तो वो कहते नहीं ये दोनों अलग हैं, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, मास कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, कार्बन 12 के मास के साथ अगर हम किसी को कंपेयर कर दें किसी एटम के मास को, तो वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है, AMU में इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट। मास नंबर अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई बताओ सोडियम का मास नंबर 23, खत्म। एटॉमिक मास पूछे तो 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मास नंबर जैसे होल नंबर वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, और लगभग एटॉमिक मास मास नंबर के बराबर ही आता है, पॉइंट में वेरिएशन आता है वरना बराबर हो रहा होता है। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 और उसका एटॉमिक मास है 1.0008 AMU, आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो 1.0008 AMU, तो बात वही है, 1.0008 कह दो कि 1 कह दो, एक ही बात है, फ्रैक्शन में बस वो आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक रूल हमारे पास होता है, ये भी पता होना चाहिए भाई, बहुत बेसिक रूल्स बता रहा हूँ केमिस्ट्री के मैं, डुप्लेट ऑक्टेट रूल जिसको हम कहते हैं। सो डुप्लेट इज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बोरिंग होती है ये चीज़, क्योंकि बहुत पता होता है, इसलिए मैं तेज़ी में भी निकाल रहा हूँ, उनमें डिटेल में नहीं जा रहा इसके ना, क्योंकि कुछ चीज़ों बच्चों के लिए वाकई में बोरिंग होंगे, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो अपने वक्तों के A1 ग्रेडर्स हैं, तो उनको ये चीज़ पता होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर 2-3 बच्चे 4-5 बच्चों को नहीं पता तो आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इसलिए तेज़ी में भी कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो सके। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, ये तो 9th क्लास में यही पढ़ते हुए हम आगे मतलब गए हैं कि डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, एट इट इज़ अ रूल एंड रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, असूल बनते हैं तोड़ने के लिए भाई हैं, तो ये रूल्स जा बजा टूटता है भाई, हर जगह पर टूटता है, कोई फेल्ड जिसको हम रूल कहते हैं, ये रूल हमेशा फॉलो नहीं होता। हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, BF3 एग्जिस्ट करता है, BeCl2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले NO2 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। हमारे पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाले भी जो है वो करते हैं एग्जिस्ट, मतलब 8 से ज़्यादा, PCl5 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, सल्फर मतलब हेक्साफ्लोराइड, SF6 बना लो, PCl5 बना लो, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, और डुप्लेट तो खुद ही ऑक्टेट रूल का फेलियर ही है कि हाइड्रोजन हीलियम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाता है लास्ट सेल पे। तो लेकिन फिर भी एक हद तक ये रूल काम कर जाता है, शुरू के समझो 20 एलिमेंट्स तक तो काम कर ही जाता है। तो एटम्स स्टेबल हो जाते हैं टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट सेल, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एटम्स स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, अल्टीमेट सेल भी कह सकते हैं, आउटरमोस्ट सेल भी कह सकते हैं, फाइनल सेल भी कह सकते हैं। तो यही कहलाता है ऑक्टेट रूल, कि हर एटम हर एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही कहलाता है ऑक्टेट रूल, और उसी को करने के लिए वो कभी कभार शेयरिंग कर रहा होता है, कभी कभार ट्रांसफर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को, ताकि स्टेबिलिटी गेन कर ले। पूरा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इस रूल पर चल रहा होता है, केमिकल बॉन्डिंग कम्प्लीटली। हाइड्रोजन और हीलियम स्टेबल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जब उनके लास्ट सेल में आ जाता है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, जो के शेल उनके पास एक शेल होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट जो है वो हाइड्रोजन हीलियम फॉलो करता है, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। वैसे देखा जाए तो बेरिलियम भी डुप्लेट रूल ही फॉलो करेगा, बेरिलियम भी, लिथियम भी डुप्लेट रूल ही फॉलो करेगा, क्योंकि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद से आई थिंक फिर डुप्लेट कहीं पे काम नहीं करेगा, फिर हर जगह ऑक्टेट रूल ही लगेगा। फिर कार्बन जब आ जाएगा तो कार्बन तो करेगा ही नहीं, निकालेगा ही नहीं, वो शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग करके लास्ट सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेगा। कार्बन टेट्रावेलेंसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बस समझ में आ गई। डुप्लेट ऑक्टेट रूल बहुत बेसिक रूल है, बहुत बहुत बेसिक रूल है, तो ये लाजमी पता होना चाहिए, इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, अगर चाहिए रूल है, फेल बहुत जगह पर होता है, लेकिन 90% केसेस पे आपका काम कर जाता है, चाहे केमिकल रिएक्शंस करना हो, फॉर्मूले लिखने हो, हर जगह पर ये डुप्लेट ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाता है।
नाउ व्हाट इज द वैलेंसी, ये भी एक बहुत बड़ा सुप्रीम कॉन्सेप्ट है भाई केमिस्ट्री का कि वैलेंसी किसे कहते हैं. तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्सेट और डुप्लेट इज कॉल्ड वैलेंसी. कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी. ठीक है, तो वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. अगर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वैलेंसी जो है वो माइनस में होगी, और अगर दे रहा है जैसे मेटल्स वगैरह तो फिर पॉजिटिव में होगी. तो वैलेंसी अगर मैं बताऊं कि अगर आप कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालो, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस वन होती है, वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स है ना. मैग्नीशियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी डायरेक्ट बताना है माइनस टू. कार्बन की वैलेंसी प्लस माइनस फोर. क्लोरीन की वैलेंसी माइनस वन. नियॉन की वैलेंसी जीरो हो जाएगी बिकॉज नोबल गैस है, नोबल गैसेस की वैलेंसी नहीं होती है बिकॉज उनका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होता है. लिथियम की वैलेंसी प्लस वन. हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस वन. माइनस वन भी हो सकता है, हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है. हीलियम की जीरो. नाइट्रोजन की माइनस थ्री, फाइव ए ग्रुप का एलिमेंट है. सल्फर की माइनस टू. बेटा ये उस वक्त पता लगेगा जब प्रयोग टेबल आपके जहन में होगा, तब प्रयोग टेबल के लेक्चर पे जब आऊँगा तो मैं बता दूंगा दोबारा से कि कैसे निकालते हैं. वैसे ये पता होना चाहिए असबर, मतलब सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू है, ये आपको असबर याद होना चाहिए कि वैलेंसी ऐसी होती है. ठीक है, चूँकि इतनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में तो आप बहुत रिएक्शंस कर रहे हो, तो रिएक्शंस के अंदर तो ज़रूरी होता है कि आप इस तरह की वैलेंसीज को याद रखो. तो इसको ऐसा रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा किस तरह याद होता है ये. हाँ जी, आयंस या आयोन्स, एटम्स और आयोन्स में क्या फ़र्क है भाई? एक तो हमारे पास होते हैं एटम्स और एक होता है आयंस. एटम्स आर न्यूट्रल, आयंस आर चार्ज्ड, बस सिंपल ये फ़र्क है. और आयन बनता कब है? जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस का गेन करता है. तो अ चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन. व्हेन एन एटम एक्सेप्ट और लूजेस इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबिलिटी देन इट बिकम्स आयन. ऑक्टेट कंप्लीट करने की नियत से क्या करता है? एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है या गेन कर लेता है और फिर वो आयन की फॉर्मेशन कर लेता है. दो तरह के आयन हमारे पास होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन को कैट आयन भी कहा जाता है ना, कैट्स हैव पॉज. इस तरह की हम उससे निमोनिक से याद कर सकते हैं कि कैट्स हैव पॉज. कैट्स हैव पॉज का मतलब कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कैट्स हैव पॉज मतलब कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो कैटाइंस के पॉजिटिव चार्ज होते हैं चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, और एनायन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है. जैसे सीएल नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के गेन से बन रहा होता है. समझ में बात? आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैटाइन, एनायन. ठीक है, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी आप सीख लें. बाद में जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर मैं इन चीज़ों पर डील नहीं करूँगा क्योंकि एप्टीट्यूड में ये समझ लें कि एक फुलिशनेस है इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना. एक ऐसे स्टूडेंट के सामने जो सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद आगे एप्टीट्यूड लेवल को ज्वाइन, मतलब यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने वाले, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले, तो उनके लिए टॉपिक अगर किसी को लगता है नहीं यार ये भी मुश्किल लग रहा है मुझे, ये तो इतने तेज़ी में सर बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कि आप नहीं क्रैक कर सकते ना. ठीक है, और जिस फास्ट स्पीड से कोर्स जाता है. हाँ जी, अभी बताया था मैंने आपको बच्चों मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में. मेटल्स सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं सवाए एक के, दैट इज Hg मर्क्यूरी. मर्क्यूरी वाहिद है जो कि हमारे पास मेटल है जो कि लिक्विड है, ओनली लिक्विड मेटल. वैसे हाँ, मैंने बिल्कुल फ्रांशियम की बात कर रहा हूँ ना, तो फ्रांशियम इज ऑल्सो अ लिक्विड मेटल बट इट इज़ वेरी रेयर. फ्रांशियम भी एक लिक्विड मेटल है, वन ए ग्रुप के बिल्कुल लास्ट में नीचे आता है फ्रांशियम है. फार हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. तो फ्रांशियम भी एक लिक्विड मेटल है बट वो बहुत रेयर है, इसलिए इसका नाम कम कम लिया जाता है किताबों में. ज़्यादातर मरकरी को कहा जाता है कि ये हमारे पास एक लिक्विड मेटल है. अच्छा, वो मेटल बताइए कि जिसकी सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है. चलो ऐसे ही आपसे सवाल करता हूँ मैं, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सब. यस, गैलियम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. उसकी मेल्टिंग पॉइंट आपके बॉडी टेम्परेचर जितनी होती है, मतलब अगर आपने हाथ में अगर आप गैलियम मेटल रखोगे तो आपके हाथ पे ही वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. होता सॉलिड है सिल्वर जैसा बट हाथों में ही मेल्ट हो जाता है. तो उसकी जो है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल की है? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड. यस, टंगस्टन की जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है. कहाँ इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन को? बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट्स जो होते हैं टंगस्टन बल्ब के, उसमें. तो वो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन की होती है. अच्छा, आप मुझे एक ऐसा मेटल बताइए कि जो कि गैस स्टेट में. गैस कॉपरनेशियम, ये एक लेटेस्ट डिस्कवरी है.
कि कॉपरनीशियम एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में कि इट इज द ओनली मेटालिक गैस. मेटल है लेकिन वो गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करता है. लेकिन इसके कुछ ही आइटम्स बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया, वरना मेटेलिक गैस आज तक दुनिया ने नहीं देखा था. ये पहला मेटेलिक गैस एलिमेंट था जो मेटेलिक गैस थी, ठीक है. कॉपरनेशियम, ये निकोलस कॉपरनिकस के नाम से रखा गया इस एलिमेंट का नाम. क्या क्या था निकोलस कॉपरनिकस ने? हाँ, ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया था बहुत सर. हाँ, क्या किया था निकोलस कॉपरनिकस? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट. निकोलस कॉपरनिकस सन 1600 के दौर के साइंसदान थे. तो निकोलस कॉपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे. इन्होंने हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था. उससे पहले जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था. जियोसेंट्रिक से मुराद के अर्थ सेंटर में और तमाम प्लैनेट्स जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये बाइबल का कदीम कॉन्सेप्ट था, इंजील मुकद्दस का. तो उसके कॉपरनिकस ने पहली बार दुनिया को ये बताया था नहीं कि हीलियोसेंट्रिक, हीलियो मतलब होता है सन सेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में, कि सूरज बीच में और तमाम प्लैनेट्स के गिर्द घूम रहे हैं. उसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस एलिमेंट का नाम कॉपरनेशियम रखा गया, निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर, ठीक है. तो ज़्यादातर एलिमेंट्स के नाम किसी साइंटिस्ट पर ही बेस करते हैं जिसने कोई बड़ा काम किया. अच्छा, वो कौन सा एलिमेंट है जो किसी लिविंग साइंटिस्ट के नेम पर है? ये भी बताया था, याद है किसी को? सीबॉर्गियम. यस, तो सीबॉर्गियम, सीबॉर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है. तो उनके नाम से एक एलिमेंट है सीबॉर्गियम. ये भी 92 के बाद आर्टिफिशियल में आता है. ही इज़ द ओनली लिविंग साइंटिस्ट जिनका नाम पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, वरना सारे मर चुके हैं. मेंडलीव का नाम भी है, आइंस्टाइन का भी है, रदरफोर्ड का भी है, बोहर का भी है, उन सब का नाम है मौजूद, बट वो सब मर चुके हैं. ये वाहिद है जो जिंदा है. तो इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो याद रखना पड़ेगा हर तरह के फैक्ट्स. सॉरी, ये मैंने इसको बताया नहीं अभी आपको. तो देखें, सॉलिड्स होते हैं सवाए मरकरी के, ठीक है. और अच्छा, कंडक्टर्स होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के. सारे ही मेटल कंडक्टर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके अंदर कि भाई एक मेटल कंडक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं है. दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजली, इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये फिर वही बात है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना, ये एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है. मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करता है. अगर आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर 7 के अंदर आपने जो पढ़ा है ना, ये आपकी दैट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की डिटर्मिनेशन, उसमें जो वोल्टाइक सेल बनाया है, तो वोल्टाइक सेल दो हाफ सेल पर जो मुश्तमिल होता है, ठीक है. यहाँ बल्ब लगा देते हैं, ठीक है. ये आपके पास जिंक हो गया, ये आपके पास कॉपर हो गया, ये आपके पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये आपका सॉल्ट ब्रिज, और ये बल्ब लगा दें यहाँ पर आपने, ठीक है. और जब सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा तो क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इस वोल्टाइक सेल में से, और ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है. जिंक क्या कर रहा होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है, और वही इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, और सारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. यहाँ कॉपर मेटल है, बट उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन का गेन होना या लॉस होना, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है. रिलेट करते हुए हम बात कर सकते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. दो मेटल्स के साथ में रिएक्शन हो सकता है, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दो मेटल्स है ना. अब देखो, जिंक ने रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है ना. मिसाल के तौर पे आपने जैसे कि, तो यहाँ पर जिंक है, जिंक जीरो से प्लस टू चला गया, मतलब इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपने लॉस कर दिया प्लस टू पे, और कॉपर प्लस टू से जीरो चला गया, मतलब इसने गेन कर लिया होगा ना वो दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हो रहा है. तो यहाँ तो कॉपर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन, जैसे मैंने बताया इस ये रिएक्शन है, नॉर्मली हो रहा होता है. ये आप लैब में कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं चाहिए, आपको कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लो, और जिंक का कोई प्लेट है, जिंक के कोई भी जो है वो आपने रॉड इसके अंदर आप डिप कर दो, एक मिनट तक छोड़ दो. एक मिनट बाद बाहर निकालोगे ना, जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा कि जहाँ तक डिप होगा वहाँ तक चारों तरफ कॉपर की प्लेटिंग हो गई होगी उसके ऊपर. मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया उसके चारों. तो ये तो होता है नॉर्मल, इसमें नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, एक मिनट के अंदर हो जाता है. तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को असल में क्या कर रहा होता है, वो कॉपर इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर रहा होता है जो जिंक ने लॉस किया होता है. अच्छा, ये रिएक्शन अगर हम करें तो लेट्स से कि अगर हम इधर पे ये बीकर ले लेते हैं, और बीकर में हमने रख दिया इसके अंदर जिंक सल्फेट ZnSO4, और अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं कॉपर. तो क्या इस कॉपर के ऊपर जिंक की प्लेटिंग हो जाएगी? क्यों? यस, रिएक्टिविटी का डिफरेंस है ना इसमें, चूंकि कॉपर
जिंक और कॉपर की बात की जाए तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉसिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता है ये। लेकिन कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर जिंक के सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होना रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, अब बहुत बार केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को कुछ सिचुएशन में गेन भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो लॉस ही कर रहा होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो लॉस करेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो लॉस करेगा, कभी भी गेन नहीं करेगा नॉन मेटल के साथ। हाँ, मेटल के साथ जब करेगा तो कभी कभार लॉस के दोनों चल सकता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हुए फिर वो काम होगा। अब जैसे एसिड है, एसिड के बारे में क्या पढ़ा है, एसिड हमेशा एच प्लस देता है ना भाई, लेकिन एसिडिटी भी बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर तुम यही नाइट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दोगे, जैसे आप कराते हैं ना उसमें नाइट्रेशन में, जब बेंजीन के नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए, होता है ना ऐसा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को एज अ बेस ट्रीट कर रहे होते हैं, ये OH नेगेटिव लिबरेट करता है, ये H प्लस लिबरेट करता है, तो ये आपका बन जाता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनता है, अच्छा HSO4 माइनस ये न्यूक्लोफाइल बन जाता है, और ये H2O वाटर लिबरेट हो जाता है ये निकल के। तो यहाँ तो एसिड के बारे में तो आपने हमेशा पढ़ा है कि एसिड हमेशा H प्लस लॉस करते हैं, यहाँ तो OH नेगेटिव लॉस कर रहा है, चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री उसके अंदर। तो वजह क्या है, जो कि एसिड जब कभी बेस से रिएक्शन करेगा तो लाजमी H प्लस लॉस करेगा, लेकिन अगर दो एसिड का रिएक्शन करा दो तो स्ट्रेंथ देखी जाएगी, एक एसिडिक रखेगा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। तो केमिस्ट्री में सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, रिलेट करते हुए बात की जाती है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते। अगर आप डायरेक्टली कह दोगे तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भर जाएगी, हर जगह बोलना पड़ेगा भाई यहाँ भी एक्सेप्शन है यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ याद रखनी पड़ती चीज़ों की। नॉन मेटल से भाई तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, ठीक है। लिक्विड में कौन सा मेटल होता है हमारे पास, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, नॉन मेटल होता है। इंसुलेटर होते हैं सारे के सारे, एक नॉन मेटल ऐसा है जो कंडक्टर है, यस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन होता है नॉन मेटल, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, और उसके पीछे वजह क्या उसके गुड कंडक्टर होने की, उसका स्ट्रक्चर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना हेक्सागोनल रिंग्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है, वो पैरेलल टू द प्लेट करंट कंडक्ट कर रहा होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर जिसको हम कहते हैं वो नेचर फॉलो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर लेते हैं नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स सॉलिड्स होते हैं और सेमी कंडक्टर्स होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा करंट पास होता भी नहीं भी होता है मेटलॉइड से, सिलिकॉन जर्मेनियम फिजिकली बताया था मेटल की तरह होता है और केमिकली नॉन मेटल्स की तरह होता है। केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं ना मेटलॉइड्स के, तो हम उनका ऐसा नॉन मेटल ट्रीट करते हैं, जैसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिख रहे होते हैं ना मेटलॉइड्स के, कि सिलिकॉन के रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कर लेंगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से कर लेंगे, तो वहाँ सिलिकॉन के नेचर हम शो कर रहे होते हैं नॉन मेटल की तरह, और जब हम इसको देखते हैं दूर से बाहर तो हमें सॉलिड लगता है, तो मेटल जैसा लग रहा होता है सिलिकॉन वगैरह, तो देखने में हमें यहाँ पर मेटल जैसा लगेगा और रिएक्शन करते थे वगैरह नॉन मेटल जैसा होगा, तभी इसको हम कहते हैं डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखता है, सेमी मेटल मेटलॉइड कहते हैं, नीम धात। क्लियर समझ में आ गई बात, ये बहुत सिंपल बात है, 9 में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल। रेडिकल्स देखो, एक तो होते हैं आइंस एक होते हैं रेडिकल्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइंस एंड रेडिकल्स, आइन और रेडिकल्स के बीच में क्या फर्क है। आइंस होते हैं अलोन अकेले, ठीक है। आइंस कौन से होते हैं जरा समझना, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, ठीक है, ये आइंस होते हैं। Na प्लस Al प्लस 3 ये आइंस हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स आर एक्चुअली पोली अटोमिक आइंस, पोली अटोमिक आइंस को हम रेडिकल कहते हैं। पोली अटोमिक आइंस से क्या मुराद है कि आपके पास ऐसे आइंस जो कि मोर देन वन एटम पर मुश्तमिल है, ऐसे आइंस भी होते हैं पोली अटोमिक आइंस जिसको हम कहते हैं। तो जैसे पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव रेडिकल्स भी हमारे पास होते हैं काफ़ी सारे हैं, एक लंबी लिस्ट होती है उसकी ना जो रेडिकल्स हैं। अच्छा, ये जो पूरी उसकी स्लाइड्स वगैरह है ना, लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था कि मैंने उसको ग्रुप पर शेयर कर दिया था, ग्रुप पे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो नहीं है वो ऐड हो जाएंगे, तो मसला नहीं है, मैं उसको वहाँ पर शेयर कर दूंगा ना। अगर आपसे कुछ रह जा रही है लिखने में तो फिर आप उसको ग्रुप से देख कर, आप स्लाइड से देख कर लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक। हाँ, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करूँगी प्रोजेक्टर बंद कर दूँ और फिर मैं जब बोर्ड पर लिखना शुरू करूँ तो फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो और सेम ये वो लेक्चर जो 9 क्लास को मैं दे रहा हूँ एग्जैक्टली, अगर 9 में आपने मुझसे पढ़ा तो 9 में आपने ये लेक्चर लिया होगा, कोई नया लेक्चर नहीं है। 9 के बच्चों को भी ये लेक्चर देता हूँ, फर्स्ट ईयर को भी देता हूँ, सेकेंड ईयर को भी देता हूँ, एप्टीट्यूड में भी ये दे रहा होता हूँ, क्योंकि यार बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले। जब तक आप सबको एक बराबर लेवल पे लेकर नहीं आएंगे ना, तब तक लर्निंग अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। फिर मैं रेडिकल बोलूँगा, आइन बोलूँगा, एटम बोलूँगा, एलिमेंट बोलूँगा, कंपाउंड बोलूँगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं साइड से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट उसी चीज़ में फंस जाता है
एलिमेंट आयन कंपाउंड आयन रेडिकल मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड बस खत्म, फिर क्या कॉन्सेप्ट आगे बनेगा। आगे मुश्किल मुश्किल बात कर रहे होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, फजान रूल क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन किस तरह होता है, उसमें हम थोड़ी ना बताएंगे बेटा ये एलिमेंट है देखो ये कंपाउंड है NaOH दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये तो आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात होगी, फिर उसका मतलब 10 साल लग जाएंगे एप्टीट्यूड खत्म नहीं होगा। इसके लिए शुरू में कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो रेडिकल्स क्या है पॉलीएटॉमिक आयन से, अब इनमें पॉजिटिव रेडिकल्स हमारे पास है, अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन को ही हम एसिडिफाइड वाटर कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड वाटर कह सकते हैं, जब किसी भी एसिड को पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक और भी पॉजिटिव आयन हमारे पास हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, जैसे हमारे पास एक होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, NO2 प्लस। अच्छा, एक हमारे पास, अच्छा नाइट्रोनियम आयन के अलावा सल्फोनियम आयन भी हो सकता है, सल्फोनियम आयन कैसे कहते हैं, SO3H+, बेंजीन में लग जाता है तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, कॉमन ये है अमोनियम और ये हाइड्रोनियम, बाकी और बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हो सकते हैं। पॉजिटिव आयन की निशानी ये होती है लास्ट में यम आ रहा होता है ना, जैसे मेटल्स के लास्ट में यम आता है। नाउ नेगेटिव रेडिकल्स नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेट, एसिटेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, और भी होते हैं, फॉस्फेट होता है, ऑक्सेलेट होता है, बाइफॉस्फेट होता है, ये सारे हमारे पास नेगेटिव रेडिकल्स हैं। नेगेटिव रेडिकल्स क्यों, चूंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं और इन सब एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल आयन्स हैं जिस पर चार्ज नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखो कि सिर्फ एलिमेंट ही कभी कभार इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं करते हैं, बल्कि पूरा पूरा कभी कभार कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन कर रहा होता है, तो उस पर पूरा रेडिकल बनता है, वो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बहुत सारे सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये रेडिकल्स और आयन के बीच का फ़र्क आपको समझा रहा था मैं, बस ये फ़र्क समझना है, क्या फ़र्क है कि आयन्स अकेले होंगे, रेडिकल्स पॉलीएटॉमिक स्टेट में होंगे, कंबाइंड होंगे, समझ में आ गई बात ये। अब बाकी कैसे चार्ज निकलता है, फजान रूल क्या होता है, कैसे फजान रूल अप्लाई करते हैं इसमें चार्ज निकालने के लिए, वो सब आगे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, जब हम डिटेल में जाएंगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चीज़ क्या है भाई, जब एलिमेंट्स कंपाउंड के स्टेट में लिखे जाते हैं तो लेफ्ट पर जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो अपने सिंपल नेम पर आ रहा होता है, और जब राइट साइड पर जब उसको लिखा जाता है तो फिर वो IDE उसके लास्ट में नॉर्मली लगा देते हैं, है ना। जैसे CO2 ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यही CaC2 कह देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह NO2 कहेंगे तो ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन ये अगर हम करेंगे AlN तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, लेफ्ट राइट का। P की बात करें PCl3, ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसको आगे करेंगे CA3P2, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड। अच्छा, इसको हम कह रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको कैल्शियम डाइफॉस्फाइड क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेटल है या आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, कोवलेंट में लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ओ से अगर हम, अच्छा ऑक्सीजन से स्टार्ट होने वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हो सकते हैं, हाँ OF2, ये क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन लेफ्ट पे भी आ सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक ओनली कंपाउंड है जिस पर ऑक्सीजन लेफ्ट पे आ रहा होता है, वरना राइट पे आता है हमेशा, और जब राइट पे आए तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर शुरू में भी आ सकता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और आखिरी में भी आ सकता है जैसे Na2S, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मतलब लेफ्ट साइड पे हमेशा एलिमेंट का नाम वैसे ही आता है, राइट साइड पे जब लिखते हैं तो IDE के साथ लिखते हैं, नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स की बात करें तो IDE के साथ वो आ रहे होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये सब, ठीक है। तो अभी नेमिंग थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ, हल्की सी नेमिंग का टच देता हूँ। तो ये सारे हैं जिसमें मैं बता रहा था कि लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट किस तरह से चेंज हो रहा होता है। लेफ्ट साइड पर जब ये एलिमेंट्स के नाम आएंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे जिनका नाम है, राइट साइड पर जब लिखेंगे तो सूरत में उसको जो है वो इस तरह से ID लगा देंगे लास्ट में, फॉस्फाइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, इस तरह से बहुत सारे और बन सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बेटा ये अभी डिस्कशन की ज़रूरत इसकी नहीं है, क्योंकि इसका मैं शीट आपको प्रोवाइड करूँगा, ये है मॉलिकुलर फार्मूला जिसकी शीट आपको प्रोवाइड करूँगा कॉमन नेम्स की, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड, कास्टिक सोडा, स्लैक लाइम, क्विक लाइम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
तो ये इधर इधर डिफरेंट है ना, इनकी एक लिस्ट है, वो बुक में भी मौजूद होगी, ठीक है, तो या फिर इसको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर दूंगा, केमिकल फार्मूले की लिस्ट, वो आपको याद करना होगा, तो काफ़ी 300-400 केमिकल फार्मूले उसके अंदर होते हैं, तो वो मैं इसको अभी यहाँ पर नहीं बता रही है छोटे बच्चों के लिए, मतलब तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, इतने तो छोटे इतने तो याद ही होते हैं, इससे कहीं ज़्यादा है सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब कॉमन नेम्स अलग होते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ चीज़ों के कॉमन नेम्स भी होते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड कहना चाहे बट बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 रूल के लिहाज से हाइड्रोजन नाइट्रेट होना चाहिए बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 रूल के लिहाज से होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 रूल के लिहाज से होना चाहिए हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, Na2CO3 होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं सोडा ऐश, NH2CO3 होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा, CH3COOH ये होना चाहिए आपके पास मिथाइल, मतलब इसको हम कह सकते हैं मिथाइल एसिटेट, सॉरी मिथानोइक एसिड, लेकिन उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं क्विक लाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो कॉमन नेम्स का कोई रूल वूल नहीं होता कि क्यों बोलते हैं उसको, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो होता है बट कोई रूल पर नहीं चल रहा होता, ये हर कंपाउंड के अलग आपको याद करने पड़ते हैं। अच्छा ये हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड ये तो रूल पे, अब 10,000 फॉर्मूले लिख दोगे 10,000 के 10,000 खड़े खड़े सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो कॉमन नेम्स है वो नहीं हो सकेंगे, वो सबके अलग हैं। अब ब्लू विट्रियोल जैसे है, हमें पता है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है, एक हमारे पास ग्रीन विट्रियोल भी होता है, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू तो सबको पता है सर कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, नहीं ना देखो फंस गया ना इसमें, ग्रीन विट्रियोल आपके पास होता है FeSO4 फेरस सल्फेट को कहते हैं, ऐसे बहुत सारे और नाम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी लिस्ट है वो मैं आपको दूंगा, जैसा आपको याद करना पड़ेगा उसमें, फिर मेरी जो ज़रूरत नहीं है बताने की, वो आप खुद ही याद करोगे, अलग अलग नेम्स इतने भी हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले से भी सवाल आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। हाँ बच्चे नेमिंग करते हैं, ज़रा तेज़ी में लिखूंगा नहीं, कंपाउंड्स का नाम लिखना है डायरेक्ट, मतलब केमिकल नेम लिखना है, कोई कॉमन नहीं, क्या है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, हाँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल नेम बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन नेम नहीं है इसका, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट सोडियम एसिटेट, यस सोडियम फॉर्मेट, नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, सही है ठीक है, ये तो आते हैं आपको सिंपल सिंपल लेने, और देखते हैं कौन बता सकता है, और कोई एक कोई बताए जिसको कॉन्फिडेंट है कि मुझे पता है ये क्या नाम है इसका, लिथियम नाइट्रेट, नहीं ठीक है ये नहीं आ रहा है, मतलब किसी को भी ये बनाना है, इसका नाम क्या है, LiNO3 होता है लिथियम नाइट्रेट, LiNO2 है ये, NO2 सिर्फ होता है वो कंपाउंड है, ये अभी आइन लगा हुआ है, NO2- आइन लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के आइन्स कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एक तो अगर मैंने बताया था ना आपको, अगर N लिखा हुआ है सिर्फ, दिस इज नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन है भाई, N-3 लिखा हुआ है, दिस इज नाइट्राइड, नाइट्राइड आइन, सही है। अगर लिखा हुआ है N2, नाउ दिस इज वॉट, नाइट्रोजन गैस है अभी, N2, ये तो सिंपल हो गए, NO लिखा हुआ है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ओसवाल्ड प्रोसेस में बनता है ये गैस, है ना, फर्स्ट कैटालिटिक चेंबर के अंदर ही बन जाता है ये प्लैटिनम गॉस के प्रेजेंस में, NO2 ये कंपाउंड नहीं है भाई, कौन सा है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका एक ही नाम है, N2O ये कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस उसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से होता है, नाइट्रिक में ज़्यादा होते ऑक्सीडेशन, इसमें नाइट्रोजन के इसमें काम होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब सिखाऊंगा तो उस वक्त जो है वो बता दूंगा कि नाइट्रस क्यों है नाइट्रिक क्यों है, ये असोरिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड तो हो गया,
अच्छा अगर हम लिखते हैं N2O4, ये क्या है? दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एंड N2O4 इज अ डाइमर ऑफ NO2. NO2 का डाइमर होता है, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ना. NO2 और NO2 को जब मिलाओगे तो वो बनेगा ना N2O4, डाइमर जिसको हम कहते हैं. क्योंकि NO2 लाजमी NO2 के साथ मिल जाता है फॉरन से. NO2 बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है. हाईली अनस्टेबल किस वजह से होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी की वजह से. पता है ना नाइट्रोजन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 नाइट्रोजन है, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली एक ऑक्सीजन से, यहाँ से ये डबल कोवेलेंट से एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कर दी एक ऑक्सीजन से. NO2 नाइट्रोजन के ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है दोनों का. नाइट्रोजन की बात करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो इसका मतलब कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है दोनों के पास. इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना. इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से हाईली एक्सप्लोजिव है NO2. ज़्यादातर एक्सप्लोजिव के अंदर NO2 मिलता है आपको. ट्राइनाइट्रोटोलिन में मिलेगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड में मिलेगा आपको यही NO2 ग्रुप. यही आपको नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर मिलेगा जिसे डायनामाइट बनाते हैं, है ना. NO2 ग्रुप हाईली एक्सप्लोजिव होता है अनस्टेबल नेचर की वजह से, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है. ठीक है, देखो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फार्मूला आपको बता रहा होगा चीज़ों के बारे में. एक आम इंसान के लिए जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसके लिए कुछ नहीं है फार्मूला. क्या डंडी लगा दी सर आपने, कि तीर लगा दिया तो डंडी लगा दी, ओ एन लिख दिया, ऑन एनओ नो वाला नो एन डबल ओ के साथ तो लिख दिया आपने. तो एक जिसको नहीं आती हो तो यही बोलेगा ना, लेकिन जो केमिस्ट्री आती है उसके राज निकाल पाएगा इसके अंदर से. इतना कुछ आपको केमिस्ट्री बता रहा होता है अगर आपके अंदर सेंस है तो. ठीक है, कोई जरूरत नहीं रट्टा लगाने की. अच्छा, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना ये. तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहलाते हैं ये. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट रूल को फेल करते, जो क्लास के शुरू में बता रहा था मैं आपको. ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि ये इसके साथ जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे ना, ये ऐड इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे. हो गया स्टेबल, 8-8 हो गया बराबर दोनों नाइट्रोजन के, हो गया स्टेबल. तो ये स्टेबल डाइमर होता है NO2 का. दो NO2 मिलते हैं तो स्टेबल डाइमर N2O4 तैयार होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड. ये भी फेडरल में, कराची बोर्ड में नहीं है इस टॉपिक के बारे में. ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी क्या होती है और किस तरह से बनते हैं, ये सारी डिस्कशन. इसलिए हमारे कराची बोर्ड के बुक्स के अंदर ना कॉन्सेप्ट मिसिंग कर जाते हैं बहुत जगहों पर. क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा होता बस. लेकिन ये अगर आप फेडरल की बुक अगर आप उठाएंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह आज या कल तक मैं जो है ना मैंने PDF फॉर्मेट में जो है बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मतलब इसकी बुक कह रहा हूँ, पंजाब टैक्स की और इस तरह फेडरल की. अगर आपको परचेस करनी है तो आप उर्दू बाजार से जाकर परचेस कर सकते हैं. एटलीस्ट मैं कहता हूँ ना, फेडरल तो लाजमी ले लेनी चाहिए. पंजाब टैक्स नहीं भी लो तो चलेगा, मसला नहीं है. लेकिन फेडरल टैक्स की जो है ना, जिसको नस्ट अप्लाई करना है उसके लिए बात कर रहा हूँ, जिसको नस्ट अप्लाई करना है, या फिर जिसको हमें अप्लाई आगे करना है, जिसको लाइक DUHS में अप्लाई करना है. मतलब MD CAT वाले जितने भी बच्चों जो MD CAT देने वाले हैं, वो JSMU या DUHS देने वाले हैं या फिर KMDC देने वाले हैं, तो एटलीस्ट फेडरल तो लाजमी वो तीनों बुक्स जो हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वो खरीद कर रख लें. इस तरह अगर इंजीनियरिंग वाले वो हैं जो कि NED के अलावा टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं NED से अच्छे इदारों और में, नस्ट में या पियास में या फिर फास्ट में, तो फिर वो लाजमी फिर उसको रीड करना शुरू करें या रख लें उसको. थोड़ा थोड़ा भी एक एक पेज भी पढ़ लिया तो बहुत है. मतलब उससे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छा अच्छा उससे ना आपके इंटर को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा फेडरल से, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको. क्योंकि आप फिर जब वो किताब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम अपने सिंटेक्स की किताब साइड में रख दोगे, तो तुम पढ़ोगे नहीं जिंदगी उसको कभी. वो इतनी अच्छी किताब है, मतलब उसको बनाया गया बड़ा खूबसूरती से, कॉन्सेप्चुअल बनाया गया, और लग रहा है कि जैसे ओ लेवल्स की किताब ही होती है ना, उस तरह से बनाया गया. उसको थोड़ी कॉस्टली भी है बट जो है कि कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे हैं. क्योंकि फेडरल बुक बोर्ड की जो बुक्स होती है ना, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही होती हैं. मिसाल के तौर पर जैसे कोई स्टूडेंट अगर सऊदी अरब में रहता है और सऊदी अरब में वो किसी पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ता है, हर कंट्री में पाकिस्तानी स्कूल्स मौजूद हैं, तो सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तानी स्कूल्स मौजूद हैं. वहाँ पर जो बच्चों को कोर्स पढ़ाया जाता है ना, वो पूरा फेडरल का पढ़ाया जाता है. मतलब अगर कोई और किसी कंट्री में पढ़ता है, कतर में, यमन में, कुवैत में, किसी बहरीन में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, इराक में, ईरान में, हर कंट्री में पाकिस्तानी स्कूल्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर फेडरल बोर्ड को ही पढ़ाया जाता है. तो फेडरल की जो बुक्स है ना, वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की नुमाइंदगी कर रही होती है सारी दुनिया में. तो उसको लाजमी उस बुक को डेली हर साल पर चेंज करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और उसके अंदर स्टैंडर्ड डालते हैं. सिंटैक्स सिर्फ सिंध में पढ़ी जाती है और कहीं नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए उसको चेंजिंग वगैरह नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ फेडरल पढ़ने में मज़ा आता है. क्यों? चूँकि उसको पूरी टीम बैठी है फेडरल की, जो उसको हर साल चेंज कर रही होती है और उसको खूबसूरत बना रही होती है, ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम थोड़ा बेहतर जाए, बुरा ना जाए. ठीक है,
अच्छा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आपके उससे ऊपर हैं, जो कि आपके सेकेंड ईयर में काम नहीं आएंगी बट एप्टीट्यूड के लिए ज़रूरी है। जो फेडरल पढ़ लेगा यार, तो मैं नहीं मानता कि उसका एडमिशन किसी तरह से DUHS में रुक सकता है, डाओ में होने से रुक सकता है या नस्ट में होने से रुक सकता है। मतलब अगर कोई पढ़ ले तो, बच्चे पढ़ते नहीं है फिर वो शिकायत करते हैं कि सर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। ये कोई कोचिंग सेंटर का पेपर थोड़ी ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा तो आप शिकायत कर देंगे, वो तो आ गया। पिछली बार भी MTCAT वालों ने कितना बोला कि सर आउट आया फला करे चेंज करे, कुछ भी नहीं हुआ, हो गया एडमिशन हो गए, बच्चे जा रहे यूनिवर्सिटी। तो ये आपके बोलने से नहीं होता, क्योंकि वो गवर्नमेंट तक की बात को वो डिनाई कर देते हैं। जो PMC वाले, कितना था कोविड 19 है, ना स्कूल खुला हुआ है, ना कॉलेज खुला हुआ है, ना यूनिवर्सिटी खुली हुई है, फुल लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें भी जो है वो टेस्ट हो गए सारे यूनिवर्सिटीज़ के। NED ने अपना टेस्ट भी ले लिया, PMC ने भी अपना टेस्ट ले लिया, सारे टेस्ट हुए थे। क्योंकि इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि ये इसको ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। पता लगा भाई हर बच्चा टेस्ट में प्रमोट हो गया, हर बच्चे को डॉक्टर बना दो, तो पता लगा हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे डॉक्टर आ जाएंगे कि भाई अल्लाह हाफिज़ ही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि टेस्ट को अच्छी तरह से किया जाए, ताकि सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट ही आ सकें। PMC को या फिर इनको हमारे कराची बोर्ड पे कोई भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि कराची सिंध टेस्ट, और वाकई में कहते हैं, सही कहते हैं। अगरचे ये मेरे लेक्चर्स में अपलोड करूँगा, सिंध के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं इंटीरियर के साइड पे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि इंटीरियर साइड पे नकल माफिया बहुत ज़्यादा चलता है। ये मैं बता सकता हूँ, ऐसा है, इसमें कोई मुझे कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, चलता है। अगर आप हैदराबाद साइड से पेपर दो या फिर और इंटीरियर साइड से पेपर दो ना, वहाँ चीटिंग कल्चर है, वहाँ आराम से 90% एक बच्चा बना लेता है ईजिली, 85+ आराम से। सुना होगा आपने कि हम मैं सिंध से पेपर दे रहा हूँ, इंटीरियर से भाई गडाप टाउन से दे रहा हूँ, वहाँ से दे रहा हूँ, फुल नंबर आ जाएंगे। लेकिन तो वही बात है ना, वो बच्चा सिर्फ परसेंटेज पर एडमिशन होना शुरू हो जाए तो फिर तो सारी सीटें कराची वालों की खत्म हो जाएंगी। इसके लिए क्या किया गया कि टेस्ट का सिस्टम डाला जाता है, ताकि रियल क्रेडिबिलिटी चेक हो सके स्टूडेंट की, कि टेस्ट की बुनियाद पर। तो ये अच्छी चीज़ होती है जिसमें मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन चल रहे होते हैं आपके, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर ये आ गया, मैं N2O4 पे आ गया था, अब आगे बढ़ता हूँ। अब आइंस पे आता दोबारा, NO2-, ये आइन होता है हमारे पास नाइट्राइट आइन, और NO3-, ये हमारे पास होता है नाइट्रेट आइन, ठीक है। तो एक नाइट्राइट है और एक नाइट्रेट है। अच्छा, NO3+ भी हो सकता है, तो दिस इज NO2+, दिस इज नाइट्रोनियम आइन। तो देखो नाइट्रोजन के कितने सारे नाम पॉसिबल हो सकते हैं कंपाउंड्स के, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, नाइट्राइड आयन, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इस तरह नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन है, नाइट्रोनियम आयन है, सब नाइट्रोजन लगा हुआ सब, लेकिन नेम सबके अलग 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 है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास लिथियम नाइट्राइट है, इट इज़ नॉट लिथियम नाइट्रेट, तो नाइट्राइट आयन लगा हुआ है, सही है जी। नेक्स्ट बताओ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट अमोनियम फॉर्मेट, नेक्स्ट सोडियम हाइड्राइड, नेक्स्ट 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 लेड ऑक्साइड, ठीक है।